हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें कि लगभग 40-42 क्वेश्चन हैं और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कुछ GS के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, वन सिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभप्रसद बताइए। दोस्तों, इसमें 40 वस्तुएं हैं और जो 25 वस्तुएं बेची जा रही हैं और 40 वस्तुएं जो हमने खरीदी और 25 वस्तुएं बेची, तो हमें लाभप्रसद बताना है। तो लाभप्रसद यहां पर वस्तुओं का जो है रिलेशन है, तो 40 वस्तुएं और 25 वस्तुएं बेची जा रही हैं तो कितनी कम बेची जा रही हैं। 15 वस्तुएं कम बेची जा रही हैं, 25 वस्तुएं बेचने के बराबर ही जो है हमें 40 के बराबर लाभ मिल रहा है। तो जब भी वस्तुओं का केस आए तो उसमें हम विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य को बेस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 15 वस्तुएं जो है कम बेची जा रही हैं और नीचे जो है वो आपका 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 25 वस्तुएं रखा जाएगा इनटू 100, 15/25 इनटू 100। अब आप इसको काट दीजिए 25 × 100 और 15 × 60%, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। दोस्तों, तो इसमें साधारण सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो दोस्तों, ए जो है आपका 10 है और बी भी जो है 10 है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 10% वृत्त की जा रही है त्रिज्या में, और क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आर इंटू आर, दो बार दो वृद्धि होती है, इसलिए 10 + 10 + 10 × 10/100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस और 10 × 10/100, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21%। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं कि 10% की वृद्धि की गई है त्रिज्या में, तो 10% बराबर होगा 1/10 के। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो वृद्धि की वैल्यू है, नीचे प्रारंभिक वैल्यू है। तो जो वृद्धि कितनी हुई, 1 हुई, तो वृद्धि करने के बाद जो है वो कितना हो गया, 11 हो गया, और प्रारंभिक जो है 10 है और अब कितना हो गया, 11। तो ये दो बार होगा 11/10, तो दोनों की गुणा कर दीजिए, 11 × 121 आपका हो गया, और प्रारंभिक जो है एरिया 10 × 10 = 100 था, अब न्यू एरिया जो है 121, तो बढ़ोतरी कितनी हुई, 21 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं दोस्तों। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनका लसा 240 है, तो दोनों में से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों, यहां पे लघुत्तम समापवर्तक 240 दिया हुआ है और आपका जो संख्याएं हैं वो रेशियो में दी हुई हैं 3 और 4, तो रेशियो में भी आप लसा या लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो रेशियो में आपका लघुत्तम जो है वो होगा 12, 3×12, और रियल में जो लसा है वो 224 है। तो 224 जो है रेशियो वाले लसा का कितना गुना है, 12 × 24 = 20 गुना है। तो जो लसा है वो रेशियो वाले लसा से 20 गुना है। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या रेशियो में कितनी है, 3 है, तो 20 गुना इसका कर दीजिए, 20 × 3 = 60 आंसर हो गया। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है जीएस का। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2019 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो दोस्तों है ये जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं दोस्तों। जगदीश मुखी को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया, दोस्तों ये मिजोरम है जिसके गवर्नर नियुक्त किए गए हैं ये। 6 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है, दोस्तों ये है इंदौर, और तीसरी बार दिया गया है, लगातार इंदौर को दिया जा रहा है। 7 क्वेश्चन है दोस्तों। प्रयागराज कुंभ मेला 2019 कब आयोजित हुआ, दोस्तों ये आपका 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित हुआ। दोस्तों, 8 प्रश्न है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था, दोस्तों ये है नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं दोस्तों। ये पावर का क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है 2^x = करणी के अंदर जो है करणी 7 है और अंदर वैल्यू है 1024, इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों, सेकंड लाइन में हो जाएगा 2^x = जो 1024 है वो 2^10 हो गया, 2^10 होगी तो 1024 आएगा, और जो करणी के अंदर 7 है वो 1/7 बन जाएगा, करणी हट जाएगी और 2^10 की घात जो है 1/7, मतलब पावर की पावर।
तो ये थर्ड लाइन में हो जाएगा 2 की घात x बराबर 2 की घात पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10/7 पावर जो बेस है दोनों का 2 है, 2 और 2 हटा दीजिए, बचा क्या x बराबर 10/7। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है अंडर रूट 90 ऐसे केस ये इनफाइनाइट तक है, तो इसमें जो है आप इसका धनात्मक मान बताना है दोस्तों। तो ऐसे केस में जो है जब वैल्यू समान हो और इस तरह सब प्लस में ऐड हो अंडर रूट में, तो इसमें जो वैल्यू है 90 इसका जो है दो फैक्टर कीजिए, ऐसा फैक्टर कीजिए कि दोनों का डिफरेंस एक आए, तो 10 × 9 दोनों का 10 × 90 और दोनों का डिफरेंस एक है, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर हो जाएगी। अगर यहीं पे साइन माइनस होता तो छोटी वैल्यू आंसर होता है। ठीक, 11वां सवाल इसी तरह का है अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20। तो इसमें जो है आप 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि दोनों का डिफरेंस 1 हो, तो 5 × 4 दोनों का जो डिफरेंस है 1 है, तो इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो छोटी संख्या है वो आंसर हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्ग का जो डायगोनल है विकर्ण है वो दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, मतलब भुजा का √2 गुना होता है विकर्ण, और विकर्ण दिया भी है 8√2, दोनों को आप बराबर कर लेंगे तो √2 √2 दोनों तरफ कट गया, बचा भुजा बराबर 8। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्ग का भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, तो भुजा 8 आ चुकी है, 8 × 8 = 64 हो गया, पहला ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को व्यंजक द्वारा परिभाषित किया जाता है। फार्मूला पूछा है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U = mgh भी होता है या पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, पहला ऑप्शन सही है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है आपका 1/2 mv². ठीक है, दोनों का जो मात्रक है वो जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो दोस्तों इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, रोमर। प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है मैथ का, किसी टंकी के 1/6 भाग में 120 लीटर पानी आता है, उस टंकी का कितना भाग भर जाएगा जब उसमें 280 लीटर पानी रखा जाएगा। तो 1/6 भाग में आपका 120 लीटर पानी आता है, तो दोस्तों जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो प्रारंभिक वैल्यू होती है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उस भाग में 120 लीटर पानी आ रहा है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 1 है, उस पार्ट में 120 लीटर पानी आ रहा है, मतलब एक भाग जो है वो बराबर है 120 लीटर के, टोटल भाग है 6, नीचे वाला जो है टोटल वैल्यू है, तो 120 को आप 6 से गुणा कर दीजिए, 720 लीटर। ठीक है, तो टंकी की जो वैल्यू आ गई वो 720 लीटर है। अब कह रहा है कि अगर उसमें 280 लीटर पानी रखा जाए तो टंकी कितनी भरेगी, टोटल वैल्यू 720 है, 280 लीटर अगर हम पानी रखें तो 280 को ऊपर और 720 को नीचे रखिए, और इसको कैलकुलेट करिए, काटिए, 0 0 कट गया, 4 × 7 = 28 और 18 × 6 = 72, 7/18 भाग, 7/18 भाग में पानी आएगा। दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है। 16वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, ठीक है, तो 378 सिक्के हैं 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, तो 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे को आप जो है 1/2 रुपये लिख सकते हैं और 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये रेशियो बन गया 50 पैसे का और 1 रुपये का और 50 पैसे का, 25 पैसे का 1:1/2 / 1/4, इसको आप जो है 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 × 4 दूसरे में 1/2 है, 4 से गुणा करेंगे 2 आएगा, तीसरे में 1/4 है, 4 से गुणा करेंगे 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो सिक्कों के रेशियो का अनुपात है वो 4 और 2 और 1 बन गया, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, टोटल जो है सिक्कों का जो वैल्यू है वो 7 आ गया रेशियो के हिसाब से, और आपका जो टोटल सिक्का है वो 378 है, ठीक है, रियल जो सिक्कों की संख्या है वो 378 है, तो 378 7 से भाग दीजिए, 7 × 5 = 35,
दो बचा सात चौके 28, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 54, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 54। तो इसमें पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो आपकी, हाँ दोस्तों, तो इसमें सिक्के हैं आपके 378 सिक्के हैं, और इसमें जो एक रुपए के सिक्के हैं और बाकी 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। तो एक रुपए का और 50 पैसे के सिक्के, इसको आप रेशियो में बदलिए तो ये एक हुआ और 50 पैसे वाला 1/2 हुआ और 25 पैसे वाला 1/4 हुआ। और इन सिक्कों की जो वैल्यू है वो दे रखी है 13 और 11 और 7। तो 13 जो है वो एक रुपए का जो टोटल वैल्यू बन रहा है वो है, तो 13 को 1 से भाग दे देंगे तो एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या रेशियो में 13 आ गई। और 11 जो है वो 50 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू है, उसको हम 1/2 से भाग दे देंगे तो 11/1/2 मीन 11 × 2 22 आ जाएगा। इसी तरह ये 7 × 28 आ जाएगा। तो 13, 22 और 28 ये जो है सिक्कों की संख्या निकली। अब सिक्कों की संख्या 378 दे रखी है, तीनों को जोड़ देंगे 28 और 22 50 63 63 जो है टोटल सिक्कों की संख्या रेशियो में आई और दे रखी है 378। तो ये 63 × 6 378, एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई, मतलब एक जो है रेशियो की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है आपने निकाली थी 22, 22 को 6 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया 22 × 6 = 132, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन में कह रहा है राधा राहुल और उर्वशी की जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3:7, ठीक है। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3:7। राहुल जो है वो 12 वर्ष का है और राहुल की जो वर्तमान उम्र रेशियो में है वो कितनी है, 3 है। रियल में जो एज है वो 12 है, रेशियो में कितनी है, 3 है। तो रियल जो है वो रेशियो वाले से 4 गुना है, तो फिर 4 से सब में गुणा कर दीजिए, तीनों की रियल एज आ जाएगी 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, ठीक है। अब कह रहा है 4 वर्षों के बाद उनकी आयु, तो 4 सब में जोड़ दीजिए 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16, 28 × 4 = 32। तो तीनों की 4 साल बाद एज हो जाएगी 12, 16, 32। तीनों की आयु का अनुपात पूछा है तो रेशियो लगा दीजिए, काट दीजिए 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। 18वें क्वेश्चन में आते हैं, 85 मीटर लंबी एक छड़ को दो भागों में बांटा गया है, यदि एक भाग दूसरे का 2/3 है तो लंबे भाग की माप होगी, ठीक है दोस्तों। तो दूसरे का 2/3, मैंने बोला था जो हर है वो प्रारंभिक राशि होती, तो जो पहला भाग है वो 3 है, दूसरा भाग वो जो है वो 2 है। तो इसमें जो है एक भाग 2 है और दूसरा जो है वो जो है 2/3 है, तो जो प्रारंभिक राशि वो 3 है और दूसरा जो है वो 2 है। तो इसमें जो है दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, टोटल जो लेंथ हो गई वो 5 हो गई, और 5 = 85 के, ठीक है। तो रियल में जो 85 है और रेशियो में 5 है तो कितना गुना है, 17 गुना है। और लंबे भाग की माप होगी, तो लंबा भाग 3 है, इस 17 से 3 की गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया 51, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं दोस्तों, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 है, 2:3:7 के अनुपात में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम है। कह रहा है 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में, तो टोटल जो वैल्यू है 48 किलोग्राम है, रेशियो में कितनी है, 2:3:7 है, तीनों को जोड़िए 2, 3, 5 और 7 = 12, टोटल वैल्यू आ गई 12, रेशियो में टोटल 12 है और वैसे कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है, तो 48 रियल वैल्यू जो है रेशियो की 4 गुना है। फिर कह रहा है मिश्र धातु जो है वो जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर, तो जिंक और एल्युमिनियम के भार में जिंक का जो रेशियो वैल्यू है वो कितना है, जिंक का रेशियो वैल्यू 2 है और एल्युमिनियम का रेशियो वैल्यू 5 है, 7 है, 2 और 7 में अंतर कितना, 5 है, और अंतर जो है रेशियो में 5 आ गया 2 और 7 का। और उधर जो है रियल वैल्यू जो है कितने गुनी थी, 12 गुनी थी, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए,
चार गुनी आई थी, तो चार पंचे 20। फिर से देख लेते हैं, 2-3-7 के अनुपात में तीनों जो जो एलिमेंट हैं वो हैं, और टोटल वैल्यू 48 है। रेशियो में टोटल करिए तो 2-3-5-7-12 आया, तो रियल वैल्यू जो है 48, 12 चौके 48 चार गुनी है। फिर अंतर पूछा है जिंक और एल्युमिनियम का, तो जिंक जो है आपका 2 है और एल्युमिनियम 7 है, दोनों का जो डिफरेंस है रेशियो में वो 5 है, तो जो उसका चार गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, आंसर आ जाएगा 20, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन में। दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। पहले आपका अनुपात था 9:16, अब इसमें जो है 15 जोड़ दिया गया तो अनुपात हो गया 2:3। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जो है दोनों अनुपात को बराबर कीजिए। पहला अनुपात है 9 और 16, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 है, और जो दूसरा अनुपात है 2-3, उन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसमें भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, 7×2=14 और 7×3=21, दूसरे वाले अनुपात में 7 से गुणा कर दीजिए, तो दूसरा जो अनुपात है 2-3 वो बदल गया, वो बदल कर हो गया 14 और 21। पहला आपका है 9 और 16, और दूसरा जो है आपका नया जो अनुपात आया वो आया 14 और 21। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 15 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याएं बताइए। तो अब देखिए, पहला जो अनुपात है आपका 9 और 16 है, और दूसरा जो अनुपात है 2-3 वो बदल कर अब हो गया 14 और 21, तो पहली वैल्यू 9 है और दूसरे अनुपात की पहली वैल्यू 14 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 9, 5, 14। ठीक है, अगर दूसरे में भी तुलना कीजिए, पहले अनुपात की दूसरी वैल्यू 16 है और दूसरा अनुपात जो नया आया है उसकी दूसरी वैल्यू 21 है, तो 16 और 5 21, मतलब चाहे पहले से लीजिए चाहे दूसरे लीजिए, जो बढ़त आई है वो 5 की आई है रेशियो में, और रियल में आप कितनी बढ़त हुई है क्वेश्चन में दे रखा है 15 की बढ़त हुई है, और रेशियो में कितनी बढ़त हुई है 5 की बढ़त हुई है, 5×3=15, 3 गुना है। तो दोस्तों कह रहा है संख्याएं बताइए, तो संख्याएं जो है पुरानी 9 और 16 थी रेशियो में, 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नहीं 3 गुनी आई थी, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3×9=27 और 16×3=48। फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो अनुपात है वो 9 और 16 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जोड़ने पर ये अनुपात 2:3 हो जाता है 15 जोड़ने पर। अब 9 और 16 के बीच में डिफरेंस 7 है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 है, हमें इसके भी बीच का डिफरेंस 7 करना है, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7×2=14, 7×3=21। अब ऊपर 9 16 है और नीचे 14 21 है, 9 7 16 हुआ, चाहे उधर से लीजिए तो 9 5 14 हुआ, दूसरे में 16 5 21 हुआ, दोनों का डिफरेंस बराबर आ गया, 5 का आ गया, तो ये जो 5 का डिफरेंस आया वो कितना जोड़ने पे आया, 15 जोड़ने पे आया, तो 5×3=15, तो 3 गुनी है रियल वैल्यू जो है डिफरेंस से 3 गुनी है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि संख्याएं बताइए, संख्याएं हैं आपकी 9 और 16, दोनों को 3 से गुणा कर दीजिए, 3×9=27, 16×3=48, संख्याएं आपकी आ गई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, ए बी सी का रेशियो दिया है 2-3-4, अब कह रहा है अनुपात बताइए, ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात बटे सी अनुपात सी बटे ए, तो इसमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 2-3-4, इसी को आप रियल वैल्यू मान लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, ए की जगह 2 रख दीजिए, बी की जगह 3 रख दीजिए, बी की जगह फिर 3 रख दीजिए, बटे सी की जगह 4 रख दीजिए, अनुपात सी की जगह 4 रख दीजिए, ए की जगह 2 रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सरल कर सकते हैं, 2/3 × 3/4 × 4/2, अब इसको जो है आप 12 से गुणा कर सकते हैं तीनों में, तो 12 से गुणा करेंगे, इसमें 3×4=12, 4×2=8 हो गया, दूसरे में 12 से गुणा करेंगे, 4×3=12, 3×3=9 हो गया, तीसरे में 12 से गुणा करेंगे, 2×6=12, 6×6=24, 8, 9 और 24, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं दोस्तों, अशोक और प्रदीप के आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष के बाद अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा, प्रदीप की वर्तमान आयु बताइए, तो इसमें एक ही रेशियो दे रखा है वर्तमान आयु का, अशोक और प्रदीप की वर्तमान आयु का रेशियो 4:3 है, 6 वर्ष के बाद अशोक 26 का हो जाएगा, तो अशोक 6 वर्ष के बाद 26 का हो जाएगा, तो 6 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, 20 साल का रहा होगा, तभी तो 6 साल बाद जो है 26 का होगा,
छः साल बैक लाइए, 6 साल पहले वो 20 साल का होगा, मतलब वर्तमान में वो 20 साल का रहा होगा। और वर्तमान में जो है अशोक की उम्र कितनी है, 4 है, रेशियो में 4 है, और रियल में कितनी, 20, 4×5=20, 5 गुना। तो प्रदीप की वर्तमान आयु पूछा है, तो प्रदीप की जो वर्तमान आयु रेशियो में वो 3 है, 5 जो गुना आया है, 5 से गुना कर दीजिए, 15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, रोहन और अमित की आयु 10:13 है, 15 वर्षों के बाद उनकी आयु 13:16 हो जाती है। तो दोस्तों इसमें 2 अनुपात दिया हुआ है, पहला जो अनुपात है वर्तमान आयु का वो 10 और 13 है, जब उसमें हम 15 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात हो जाता है 13:16। अब आपको डिफरेंस बराबर करना है, पहले 10 और 13 के बीच में 3 का डिफरेंस है, दूसरे वाले रेशियो में भी 13 और 16 के बीच में 3 का डिफरेंस है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब पहले वाले रेशियो की पहली वैल्यू 10 है और दूसरे वाले रेशियो की पहली वैल्यू 13 है, तो पहली वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है, चाहे दूसरी वैल्यू का डिफरेंस निकालिए, चाहे दोनों अनुपात की पहली वैल्यू का डिफरेंस निकालिए, दोनों 3 ही है। और वो 3 कितना जोड़ने के बाद आया, 15 वर्षों के बाद आया, तो 15 वर्ष जो बराबर है वो 3 रेशियो के है, 3×15, मतलब जो रियल डिफरेंस है वो 5 गुना है रेशियो वाले डिफरेंस से। चलिए ठीक है, उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है, अंतर पूछना है, तो अंतर जो है आप देख ही रहे हैं, अंतर 10:13, तो अंतर कितना है, 3 है, तो जो 5 गुना आया है उसको डिफरेंस वाले रेशियो से गुणा कर दीजिए, 5×3=15, सेकेंड ऑप्शन सही है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में, इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समयों का अनुपात होगा। तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दोस्तों बीच में बराबर लगा हुआ है, अंश में चाल है और दूरी भी अंश में है, तो चाल बढ़ेगी दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी, दूरी घटेगी चाल भी घटेगी, लेकिन समय जो है वो नीचे है, समय घटेगा तो चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, तो समय और चाल का जो है वो उल्टा अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। तो जो चाल का रेशियो दिया है वो 2, 3, 4 दिया है, उनका आप समय का रेशियो निकालना है, तो तीनों का व्युत्क्रम कर दीजिए, 1/2:1/3:1/4, ये जो है आपका समय का रेशियो होगा। अब 1/2:1/3:1/4 इसको आप जो है पूर्णांक में लाइए, 2, 3, 4 का LCM 12 हुआ, 12 से तीनों में गुणा कर दीजिए, 12/2, 12/3 और 12/4, 2×6=12, 3×4=12, 4×3=12, 6:4:3, पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों 25वें क्वेश्चन में आते हैं, A:B:C =2:3:4 दिया हुआ है, ठीक है, अब यही आप वैल्यू इनको सपोज कर लीजिए, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4, अब आपको निकालना है 2A-3B+4C = 33 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू रख दीजिए, A=2 रख दीजिए, तो 2×2-3×B की जगह आप 3 रख दीजिए, +4×C की जगह आप 4 रख दीजिए, =33 कर दीजिए, तो 2×4, 3×3=9, 4×4=16, 33 कर दीजिए, 16×4=20-9=11, 33, मतलब रेशियो में जो वैल्यू है वो 11 है और रियल में जो टोटल है, जो रियल में जो सलूशन है वो 33 है, तो वो कितना गुना है, 3 गुना है। अब C का मान पूछ रहा है, C का मान रेशियो में 4 है, 3 गुना कर दीजिए, 3×12, तीसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों 26वां क्वेश्चन GS का है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, सबसे नज़दीक है, तो आपसी आपका जबलपुर है। 27वां क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है, दोस्तों ये शेयर मार्केट से संबंधित है। 28वां क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो विटामिन ए का। दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है, दोस्तों तो ये उदर पर प्रभाव के कारण होता है। 30वां क्वेश्चन है, दोस्तों त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है। दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1×10^-28 ग्राम। 32वां क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दोस्तों ये प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है, दोस्तों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, दोस्तों गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है भारत की।
चौंतीसवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो ये है आपका NH 44। दोस्तों 35वां क्वेश्चन, तीन संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में हैं, उन संख्याओं का गुणनफल 5670 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो तीनों संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है 5, 6 और 7 दे रखा है, तो 7 जो दे रखा है, 5, 6, 7 दे रखा है, तो गुणनफल भी दे रखा है, तो रेशियो में तीनों का गुणनफल कर लीजिए, 5, 6, 30, 7, 210 कर लीजिए, तीनों का जो गुणनफल आ गया वो 210 आ गया, ठीक है। और गुणनफल जो है रेशियो में 210 है क्यूबिक, और रियल में कितना है 5670। अब दोनों को बराबर कर दीजिए और डिवाइड करिए, तो कितना आएगा आपका, यह आपका आ जाएगा 27। 5670 को तीनों रेशियो के गुणनफल 210 से जब डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है 27 गुना है, अब ये चूंकि तीनों रेशियो की गुणा हुई है तो ये 27 जो है क्यूब में आया है, अब इसकी यूनिट वैल्यू निकालिए, 27 का जो घनमूल है वो 3 हुआ, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 5, 6, 7 में सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 को इस 3 से गुणा कर दीजिए, 7 × 21, थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, तो लंबाई जो है वो 3 रेशियो में है, चौड़ाई 2 रेशियो में है, परिमाप 80 दिया हुआ है, तो परिमाप जो है वो लंबाई चौड़ाई के योग का दुगना होता है, तो 3 और 2 5, 5 का दुगना 10, रेशियो में परिमाप आ गया 10, और रियल में कितना 80 है, कितना गुना है 8 गुना है, चौड़ाई मीटर में पूछा है तो चौड़ाई कितनी है 2 है, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 × 16 मीटर, दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। 37वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, संख्याओं का योग बताइए, तो संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है 10 और 7 दिया हुआ है, और संख्याओं का जो रियल डिफरेंस है वो दिया हुआ है, तो आप रेशियो में डिफरेंस निकाल लीजिए, जब रियल में दिया हुआ है तो रेशियो में डिफरेंस 10 और 7 का डिफरेंस 3 हुआ, और रियल में डिफरेंस 5 है, कितना गुना है 35 गुना है, संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग जो है रेशियो में योग निकालिए, 10 और 7 17 हुआ, 17 को 35 गुना है, तो 35 से गुणा कर लीजिए, 595 आएगा, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, गुणनफल 96 है, ठीक है दोस्तों, तो रेशियो दिया हुआ है 2:3 और गुणनफल दिया हुआ है 96, तो आप रेशियो में गुणनफल निकालिए, 3×2 = 6 वर्ग हुआ, और गुणनफल रियल में 96 है, तो कितना गुना है 16×6 = 96, 16 गुना है, अब इसको यूनिट मिलाइए तो 16 का वर्गमूल 4 हुआ, एक यूनिट की वैल्यू 4 हुई। संख्याओं का योग बताइए, तो संख्याएं रेशियो में दी हुई हैं, उनका रेशियो में योग हुआ 2 और 3 5, और 4 गुना था तो 4 से गुणा कर दीजिए, 5×20, दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 / 1/3 / 1/4 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है, तो जो रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसको आप पूर्णांक में बदलिए, तीनों को 12 से गुणा कर दीजिए, 12/2 = 6 हो गया, 12/3 = 4 हो गया, और 12/4 = 3 हो गया, ये 6×4 = 3 आ गया, अब तीनों को जोड़ दीजिए, 6×4 = 10, 3×3 = 13, रेशियो में जो टोटल 13 आया, और रियल में जो टोटल है, मतलब परिमाप जो है वो तीनों भुजाओं का टोटल परिमाप होता है, तो रियल में जो टोटल है वो 52 है, और रेशियो में टोटल 13 है, 13×52 = 4, 4 गुना है, सबसे छोटी भुजा पूछा है, तो सबसे छोटी भुजा आपकी अनुपात था 6×4 = 3, तो सबसे छोटी भुजा 3 हो गई, जो गुना आया था 4 आया था, 4×3 = 12, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, अनुपात 2:5 के प्रतीक टर्म में पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी अनुपात जो है वो 5:6 हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है 2:5 में क्या जोड़ें कि 5:6 हो जाए, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए बराबर है कि नहीं, पहले अनुपात में 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, दूसरे में जो है 5 और 6 का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो दूसरे में भी डिफरेंस 3 होना चाहिए, 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 और 6 को हम 3 से गुणा करते हैं, 3×5 = 15 और 3×6 = 18, नया रेशियो बन गया दूसरा वाला 15:18, और पहला जो रेशियो था वो 2:5 था, तो पहले रेशियो का पहला टर्म दूसरे रेशियो का पहला टर्म, पहले का पहला टर्म 2 है, दूसरे का पहला टर्म 15 है, तो कितना डिफरेंस हुआ 13,
13 जोड़ेंगे। आंसर क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं दोस्तों, अनुपात 11:15 में क्या घटाया जाए कि परिणामी अनुपात 2:3 हो जाए। तो पहला जो रेशियो है उसका डिफरेंस है 11:4:15, चार डिफरेंस है। दूसरा जो है उसका डिफरेंस 1 है, तो दूसरे वाले में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो पहला रेशियो 11:15, दूसरा जो रेशियो 2:3 वो कन्वर्ट हो गया 8 और 12 में। अब पहले रेशियो का पहला टर्म 11 है, दूसरे रेशियो का पहला टर्म 8 है, तो 11 और 8 कितनी कमी हुई, 3 कमी हुई, तो आंसर हो गया 3। 3 घटाने पे जो है परिणामी अनुपात 2:3 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। 42वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की गति से चलने पर, मतलब 3/4, 4 जो है वो पुरानी स्पीड है, 3 जो है वो बदली हुई स्पीड है, बदली हुई स्पीड जो 3 है, तो 3 वाली स्पीड से जब चलता है तो वो 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 और 4 ये चाल का रेशियो है, 4 पुरानी चाल है और 3 जो है नई चाल है, जब इसको हम पलट देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो चाल के रेशियो को जब हम पलटेंगे तो वो समय का रेशियो हो जाएगा, तो 4/3 जो 3/4 हो गया, 4/3, 4/3 जो है 4 जो है आपका नया समय लगा और 3 जो है आपका पुराना समय लग रहा था रेशियो में। तो क्वेश्चन कह रहा है 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, तो 3/4 जो है वो अब हो गया 4/3, तो नीचे वाला जो 3 है वो पुराना समय है, ऊपर वाला जो 4 है वो नया समय है, तो कितना जो है अधिक लगा, 4 अब जो समय लग रहा है वो 4 इकाई लग रहा है और पहले जो समय लग रहा था वो 3 लग रहा था, तो एक रेशियो में जो है या इकाई में जो बढ़त है वो 1 है, और जो क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना देर में पहुंचता है वो 1.5 घंटे है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 1.5 घंटे, मतलब 1.5 गुना है कुल मिला के। अब कह रहा है कि उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितना होता, मतलब पुराना समय जो है आपसे पूछ रहा है, तो 1.5 गुना है, तो पुराना जो समय है वो 4 है, ठीक है दोस्तों। तो 15 पुराना समय, सॉरी 4 नहीं 3 है, तो आप 1.5 गुने को 3 से गुणा कर दीजिए, 15 × 3 = 45, तो पुरानी दूरी को कवर करने में उसे 4.5 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, यदि एक्स का 50% बराबर वाई का 30%, तो x अनुपात y पूछ रहा है, तो सीधे सीधे प्रतिशत काट दीजिए, प्रतिशत का मतलब 100, तो प्रतिशत हटा दीजिए, तो आपका बचा x गुणे 50 और y गुणे 30, 30 0 0 कट गया, 5x और 3y, तो x के नीचे y आ गया, उधर 3 है उसके नीचे 5 चला गया, रेशियो आ गया 3/5, 3:5, चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो दोस्तों क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना है, लंबाई जो है 60% बढ़ रही है तो चौड़ाई कितने प्रतिशत घटेगी, मतलब अब देखिए फार्मूले से समझते हैं, फार्मूला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगी क्षेत्रफल उतना ही रहे तो चौड़ाई घटेगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई का उल्टा रेशियो है, लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, अगर लंबाई घटेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, लंबाई और कुल मिला के ये हम बताना चाह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो रिलेशन है वो उल्टा है। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी गई, मतलब अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 160 हो गई, लंबाई जो है वो 60% बढ़ा दी गई, अगर पहले 100 थी तो अब 160 हो गई, तो रेशियो निकालिए, 0 0 कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, तो पहले 5 और 8 का अनुपात आया, पहले अगर लंबाई 5 थी तो अब कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए, 8 और 5 कर दीजिए, 5 8 था, 8 5 कर दीजिए, तो ये लंबाई का जो रेशियो था अब ये चौड़ाई का रेशियो हो गया, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, तो 5 और 8 जो है वो 8 और 5 हो गया, तो अब जो है पहले चौड़ाई कितनी रही होगी, 8 रही होगी, अब कितनी हो गई, अब चौड़ाई हो गई 5 हो गई, कितनी कम हुई, 3 कम हो गई,
तो कमी ऊपर रखिए और प्रारंभिक जो चौड़ाई है वो 8 है वो नीचे रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 300/8। अब इसको भाग दे दीजिए, 8 3 24, 6 8 7, ये आपका आ जाएगा 37 सही 1/2, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ऐसे ही लगेगा, दूसरी वर्ग की वैसे चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दूसरी भुजा लंबाई, पहले लंबाई दूसरी चौड़ाई मान लीजिए, तो एक भुजा 30% बढ़ा दी गई तो पहले कितनी मान लीजिए 100 थी, अब 30% बढ़ा दी गई तो अब हो गई 130। 0 0 काट दीजिए, रेशियो बना 10 और 13 का, इसको पलट दीजिए 13 और 10, तो ये अब दूसरी भुजा का रेशियो बन गया, मतलब चौड़ाई का मान लीजिए बन गया, तो चौड़ाई पहले 13 थी अब 10 हो गई, तो कितनी कम हुई 3 कम हुई, प्रारंभिक कितनी थी 13 थी गुणे 100, तो 300/13 आप इसको डिवाइड कर लीजिए, पहला ऑप्शन सही है।